सो गाइस YouTube पर वीडियोस अपलोड करने का सही टाइम क्या है जिससे कि आपके वीडियोस पर ज़्यादा व्यूज़ आए, आपके वीडियोस YouTube ज़्यादा रिकमेंड करे और आपके हर वीडियोस वायरल हो। सो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा बेस्ट टाइम टू अपलोड योर YouTube वीडियोस। ये वीडियो न्यू क्रिएटर्स और प्रोफेशनल क्रिएटर्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। मीन्स आपके लिए कौन सा टाइम बेस्ट रहेगा YouTube पर अपने वीडियोज़ अपलोड करने के लिए जिससे कि आपके वीडियोज़ पर ज़्यादा व्यूज़ आए, बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ मैं आपको ये आज बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखते रहना, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और गाइस अगर आपने मेरे चैनल को पहली बार विजिट किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको फ्यूचर में ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मिलते रहे, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अब बढ़ते हैं सीधे वीडियो की तरफ। सो गाइस YouTube के न्यू अपडेट के बाद अब ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप अपने वीडियोस किस टाइम पर अपलोड कर रहे हो। आपके वीडियोस अपलोड होने के 1 से 2 घंटे का परफॉर्मेंस ही अब डिसाइड करता है उसके रीच और इंप्रेशन बढ़ने में, उस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंड होने में और उस वीडियो के वायरल होने में। ये मैं आपको बिल्कुल अपने चैनल के एनालिटिक्स से समझाता हूँ। लाइक जब आप अपने वीडियोस को अपलोड करते हो तो उसमें आपको अब रैंकिंग शो होता है आपके YouTube स्टूडियो में। जैसे मैंने ये लास्ट वीडियो अपलोड किया था तो यहाँ पर आपको रैंकिंग्स दिख रहा है, मींस आपका वो वीडियो कितने नंबर पर रैंक कर रहा है आपके लास्ट 10 वीडियो से। जैसे यहाँ मेरा ये वीडियो अपलोड होने के 2 घंटे बाद नंबर 1 पर रैंक कर रहा है। और सेकेंड थिंग, अगर आपके लेटेस्ट वीडियो पर आपके पिछले वीडियो से ज़्यादा ऑडियंस रिटेंशन, व्यूज़ और वॉच टाइम आ रहा है, मींस यहाँ पर आपको सारे ग्रीन टिक्स दिख रहे हैं, तो YouTube आपके उस वीडियो को ज्यादा रिकमेंड करेगा, उसकी रीच और इंप्रेशंस बढ़ाएगा और आपके वीडियो को वायरल करेगा। जैसे यहां मेरा वीडियो नंबर 1 रैंक कर रहा है, तीनों पर ग्रीन साइन है, तो यहां पर एक मैसेज आया है, ग्रेट न्यूज, दिस वीडियो इज अपीलिंग टू अ वाइडर ऑडियंस देन यूजुअल। अब ये तब होगा जब आप अपने वीडियोस को सही टाइम पर अपलोड करोगे, क्योंकि पहले के 1 या 2 घंटे अब बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो अब आप कैसे बेस्ट टाइम पता कर सकते हो अपने चैनल पर YouTube वीडियोस अपलोड करने का, तो बहुत इजी मेथड है। इसके लिए सबसे पहले गाइज आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको राइट के टॉप साइड में 3 डॉट दिख रहा है, उस पर क्लिक करके डेस्कटॉप साइट को इनेबल कर लेना है और यहाँ पर सर्च करना है studio.youtube.com और उसे ओपन कर लेना है। अब आपको चीज़ें क्लियर दिखे इसलिए मैं आपको इसे डेस्कटॉप की स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, बट सेम काम आप अपने स्मार्टफोन भी कर सकते हो, आपको कोई भी चेंजेस नहीं मिलेगा। सो गई सबसे पहले आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में एनालिटिक्स ऑप्शन दिख रहा होगा, एनालिटिक्स पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ऑडियंस सेक्शन में जाना है। ऑडियंस सेक्शन में जाने के बाद आपको थोड़ा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने पर सबसे पहले यहाँ पर आपको एक टाइम ग्राफ दिखेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है व्हेन योर व्यूअर्स आर ऑन यूट्यूब, मीन्स आपके व्यूअर्स सबसे ज़्यादा एक्टिव कब रहते हैं यूट्यूब पर। और अगर आप इसको समझ लेते हो तो आपको इसका बेनिफिट लाइफ टाइम तक मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको लेफ्ट में टाइम दिख रहा है और टॉप में आपको डे दिख रहा है, मींस मंडे टू संडे। ये मैं आपको अपने चैनल के एनालिटिक्स से बताता हूँ। सो यहाँ पर आप 2 टाइप की पर्पल लाइंस देख रहे हो, एक लाइट और दूसरा डार्क। सो जो डार्क लाइंस है उसमें मेरे व्यूअर सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं यूट्यूब पर। फॉर एग्जाम्पल अगर मंडे की बात करें तो यहाँ पर रात 12 बजे से 6 बजे तक बहुत कम लोग एक्टिव रहते हैं, यहाँ की लाइंस आपको बहुत लाइट दिख रही होगी। यहाँ लिखा हुआ है वेरी फ्यू ऑफ योर व्यूअर्स आर ऑन यूट्यूब, मतलब इस समय बहुत कम व्यूअर्स एक्टिव रहते हैं यूट्यूब पर। बट दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक यहाँ पर आपको डार्क लाइंस दिख रही है, मीन्स मेरे बहुत से व्यूअर्स उस टाइम पर एक्टिव होते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है मेनी ऑफ योर व्यूअर्स आर ऑन यूट्यूब। सेम ऐसे ही आपको ट्यूसडे से लेकर संडे तक का भी यहाँ पर आपको टाइम ग्राफ दिख रहा है। सो अगर आप अपने वीडियोस इन डार्क लाइंस वाले टाइम स्लॉट जिसमें आपके व्यूअर सबसे ज़्यादा एक्टिव हो उस टाइम अपलोड करते हो तो आपको ज़्यादा रीच और इंप्रेशन मिलेगी, आपके वीडियोस पर ज़्यादा व्यूज़ आएंगे और आपके वीडियोस YouTube ज़्यादा वायरल करेगा। लाइक मेरे चैनल के अकॉर्डिंग मेरा बेस्ट अपलोड टाइम और डे है ट्यूसडे से लेकर संडे तक दोपहर 12 बजे और रात 8 बजे, क्योंकि उस टाइम मेरे व्यूअर सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं यूट्यूब पर। और इसीलिए मैं मंडे को अपने वीडियोस अपलोड नहीं करता हूँ, मोस्टली मैं अपने वीडियोस थर्सडे, फ्राइडे या संडे को अपलोड करता हूँ। सेम ऐसे ही आपको अपने चैनल पर बेस्ट अपलोड टाइम चेक करना है और उसी टाइम अपने वीडियोस को अपलोड करना है। अगर आपके सिर्फ 100, 200 या 1000 ही सब्सक्राइबर है और आपको ये पता चल जाए कि आपके सब्सक्राइबर किस टाइम सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो आपके वही सब्सक्राइबर आपके वीडियोज़ को देख कर आपके वीडियोज़ को वायरल करने में आपकी हेल्प करेंगे। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट मैसेज लिखा है, पब्लिश टाइम इज नॉट नोन टू directly affect the long term performance of a video, means publish time aapke video ke long term performance pe effect nahi karega, means agar aapke starting mein kam views aate hain but aapka wo video ek searchable topic hai to us pe bhi long term par zyada views aa sakte hain. Ab baat karte hain new creators ki jinhone bilkul abhi hi start kiya hai, unke bahut hi kam subscriber hai, so ab unke liye kaun sa time best upload time hai jinse ki unke videos par zyada views aaye, zyada recommend ho aur unke bhi videos viral ho, to wo bhi main aapko batata hu. aapko
कोई नहीं बताएगा। सो गाइज, इसके लिए सबसे पहले आपको दो चीजें अभी से समझना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहला अपलोड डे और सेकेंड अपलोड टाइम। सो अपलोड डे मीन्स किस दिन लोग YouTube पर सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं, अपने फेवरेट क्रिएटर्स के वीडियोस को वॉच करते हैं। सो अगर आप उस दिन अपने वीडियोस को अपलोड करोगे तो आपके भी वीडियोस उन्हें दिखाई दे। तो यूजुअली थर्सडे से लेकर संडे तक, मीन्स थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, इस दिन YouTube पर व्यूअर सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, क्योंकि तब वीकेंड आ जाता है, लोग अपने वर्क से फ्री हो जाते हैं और इंटरटेनमेंट के लिए वो YouTube को वॉच करते हैं। इसलिए मैं भी ये चार दिन ही चूज़ करता हूँ अपने वीडियोज़ अपलोड करने के लिए। और सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अपलोड टाइम। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यू क्रिएटर्स के लिए। आपको अपने चैनल के अकॉर्डिंग ये सोचना होगा कि आपके कंटेंट में इंटरेस्टेड व्यूअर्स किस टाइम सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं यूट्यूब पर। मैंने रिसर्च किया है और यूजुअली देखा है कि दो टाइम लोग ज़्यादा एक्टिव रहते हैं यूट्यूब पर। सबसे पहले दोपहर 1 से 4 के बीच और दूसरा शाम 6 से 10 के बीच। अगर आप इन टाइम स्लॉट्स में अपने वीडियोस को अपलोड करते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके वीडियोस ज़्यादा व्यूअर्स तक रिकमेंड होगी, आपके वीडियोस पर ज़्यादा रीच और इंप्रेशंस बढ़ेगी और आपके भी स्टार्टिंग में अच्छे व्यूज आ जाएंगे। सो गाइस, ये था सबसे बेस्ट टाइम अपने यूट्यूब वीडियोज अपलोड करने के लिए। मैंने न्यू क्रिएटर्स और प्रोफेशनल क्रिएटर्स दोनों के लिए बेस्ट अपलोड टाइम बता दिया है और मैं भी स्टार्टिंग से यही फोकस करता आया हूँ कि मैं अपने वीडियोज सही टाइम पर अपलोड करूँ, जिससे कि मेरे वीडियोज ज़्यादा रिकमेंड हो और मुझे अच्छे व्यूज आए। सेम ऐसे ही आपको अपने चैनल का बेस्ट अपलोड टाइम चूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे फ्रेंड सौरभ जोशी का एक वीलॉग चैनल है, वो मोस्टली अपने वीडियोस सुबह 8 से 10 के बीच अपलोड करते हैं, क्योंकि उनकी ऑडियंस उस समय सबसे ज्यादा एक्टिव होती है। और ऐसे ही कैरीज लाइव का एक गेमिंग चैनल है और वो मोस्टली अपने लाइव स्ट्रीम रात 10 बजे करते हैं, क्योंकि उस टाइम गेमर सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। सो सेम ऐसे ही आपको बेस्ट टाइम पर ही अपने वीडियोस अपलोड करना है, जिससे कि आपके वीडियोस पर ज्यादा रीच और एंगेजमेंट बढ़े और आपके वीडियोस भी वायरल हो। सो गाइज, आई होप आज के इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे अभी लाइक कर दो और साथ ही में गाइज मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मिलते रहे। और गाइज, अगर आपको ये जानना है कि YouTube पर सही तरीका क्या है वीडियोज़ अपलोड करने का, तो उस पर मैंने एक कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। इसे 4 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा है, यूज़ किया है और उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, तो आप उसे अब देख सकते हो। उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। और गाइज, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम आईडी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से चेक कर सकते हो। सो गाइस, मिलते हैं ऐसे किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग।